हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपोजी क्लासेस। तो आज से हम लोग आप लोगों की इंटर की क्लास शुरू कर रहे हैं, ट्वेल्थ की क्लासेस शुरू कर रहे हैं सीबीएसई और यूपी बोर्ड के लिए। तो उसके लिए आज हम इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि हमें ट्वेल्थ की क्लासेस में पढ़ना है। तो उसके लिए हमें ये जानना होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो ट्वेल्थ का आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स। ट्वेल्थ के फिजिक्स के लिए हम लोगों ने क्लासेस शुरू की हैं। अब फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर हैं और वो कितने कितने मार्क्स के हैं और कितना पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये हमें फिगर आउट कर लेना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और उन्हें हमें कितना टाइम देना ज़रूरी है। तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पे चैप्टर्स कौन कौन से कितने कितने मार्क्स के आते हैं। ठीक है, इधर हमारे पास सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न लिखा हुआ है जो 2020 का है। ठीक, नेक्स्ट ईयर का जो आने वाला सिलेबस है वो अभी आया नहीं है लॉकडाउन की वजह से। जब आएगा कुछ चीज़ें ऐड होती हैं या फिर कुछ हटती हैं तो वो हम लोग बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी तो हमें इसी के हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और इसी इधर साइड में हमने यूपी बोर्ड का सिलेबस लिख रखा है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है, इसमें यूनिट फर्स्ट दिखाई दे रही है। इस यूनिट फर्स्ट में क्या आ रहा है? यूनिट फर्स्ट में हमारा आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन कौन से चैप्टर हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग इन चीज़ों की बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? जिसमें कि इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट पोजीशन पे होता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये जब स्टडी करेंगे तब देखेंगे। इसके बाद सेकंड चैप्टर आता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या आता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट भी है और यही चैप्टर भी है। इसके बाद हमारा आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। अब इसमें हमारे दो चैप्टर्स हैं, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसमें दो चैप्टर है। इसके बाद तीसरी यूनिट हमारी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस एंड एसी। एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट, जिसके बारे में आप लोग हाई स्कूल में पढ़ के आए होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस क्या होता है ये इस चैप्टर में जानेंगे, और अल्टरनेटिंग करंट, ये दोनों अलग अलग पार्ट है जो कि हमें पढ़ने हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट यूनिट, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो ये जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट यूनिट है, वो फर्स्ट यूनिट जो है वो हमारी 16 मार्क्स की है, और जो हमारी सेकेंड और थर्ड यूनिट है और साथ में फोर्थ यूनिट, ये चार आपस में मिलाकर के कितने मार्क्स की दे रही है? 17 मार्क्स हमें यहाँ पे लेके जाएगी। इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है। इसके बाद इसी में आ जाते हैं हम लोग ऑप्टिक्स, फिर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिक्स के अंदर जो हमारा चैप्टर है वो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब ये दोनों जो ये पूरी यूनिट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ऑप्टिक्स, इन दोनों को मिलाकर के हमारा कितना बनता है? 18 मार्क्स का, जिसमें मेजर पार्ट जो होता है हमारा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का होता है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आती है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर, और इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है एटम एंड न्यूक्लियस। तो ये दो चीज़ें दिख रही हैं आप लोगों को। तो ये जो लास्ट यूनिट है, ये लास्ट यूनिट कितने मार्क्स की आती है? 12 मार्क्स की। इस 12 मार्क्स में से मेजर पार्ट इसका बनता है और इसका बनता है, इतना इससे नहीं पूछा जाता है। तो आप लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं इसमें। इसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं यूपी बोर्ड के सिलेबस की तरफ। तो यूपी बोर्ड का सिलेबस भी लगभग सेम है दोनों का। यूपी बोर्ड में भी वही सारे चैप्टर्स हैं जो यहाँ पे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं टोटल 14 चैप्टर्स हैं, 13 और एक ही 14 चैप्टर यहाँ जो रह गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये 7 नंबर का आता है। तो टोटल कुल मिला के कितने चैप्टर्स हैं? 14 चैप्टर्स यहाँ हैं और 14 चैप्टर्स सेम वही चैप्टर यहाँ पे हैं, बस उसको हिंदी में हमको पढ़ना है। तो अब देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। तो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, वही चीज़ जो यहाँ पे इंग्लिश में लिखी है उसी को हिंदी में दे रहे हैं। स्थिर विभव तथा धारिता, वैद्युत धारा, गतिमान आवेश, चुंबकत्व, चुंबक एवं द्रव्य, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, तरंग प्रकाशिकी, विकिरण तथा द्रव्य प्रकृति, परमाणु, नाभिक, अर्धचालक। ये सारे चैप्टर जो हैं हमारे यूपी बोर्ड में हैं, वही सेम चैप्टर यहाँ पे भी हैं। अब फिजिक्स को जो हम लोग स्टडी करेंगे वो दो पार्ट्स में करेंगे। जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यह वाला यहाँ तक जो पोर्शन है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और यहाँ पे वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इसको हम लोग फिजिक्स फर्स्ट में स्टडी करेंगे। इसको हम लोग क्या मान लेंगे? फिजिक्स फर्स्ट। इसको एक पार्ट में स्टडी करेंगे और जो दूसरा पार्ट है उसको फिजिक्स सेकेंड में स्टडी करेंगे।
तो फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकंड अलग अलग स्टडी करेंगे। दोनों ही चैप्टर कॉमन है, तो मैं आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सेशंस लेके आऊँगा। एक ही क्लास के अंदर होगा ये हमारा इंग्लिश और हिंदी, तो जिसको जिस तरह से सूटेबल पड़ेगा उस तरह से वो अपने नोट्स बनाते हुए चलेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टार्ट करूँगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की यूनिट ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे फिजिक्स सेकंड्स का पहला चैप्टर ऑप्टिक्स। तो इसमें भी उसी तरह से करेंगे, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश क्षेत्र पहले स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद जब ये पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा कैपेसिटेंस तक, देन फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे रे ऑप्टिक्स एवं प्रकाशिकी। एक एक चैप्टर दोनों से उठा करके लेके चलेंगे। और जिन बच्चों की रे ऑप्टिक्स में थोड़ी सी बेसिक्स कमज़ोर हैं, वो लोग हाई स्कूल पे जो हाई स्कूल के लिए जो लेक्चर्स अपलोड करे जा रहे हैं वो रे ऑप्टिक्स के बेसिक्स हैं, तो उनको जा कर के देख सकते हैं। उसको देखने के बाद ये पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए पूरा कोर्स का डिटेल है, डिटेल एनालिसिस है। अब इसको हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे, सो आप लोग इसको ज्वाइन करिए और लगातार इसे पढ़ते रहिए। और हम इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ हमारे ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका कि लिंक आप लोगों को हम प्रोवाइड कर देंगे।